Good morning, dear students. This is your math teacher. Today we will learn about our money. What is the meaning of money? Money means rupee, paisa. Money notes भी होते हैं, money के अंदर coins भी होते हैं. जैसा मैंने आपको PPT में बताया, mind में भी बताया. Money, money means जिससे हम कोई चीज खरीद सकते हैं. तो आज हम क्या करेंगे? मनी के अंदर ड्रो आने थ्री कॉइन्स एंड थ्री नॉट्स एंड राइट देयर नेम्स. आपको कोई से भी थ्री नॉट्स और थ्री कॉइन्स ड्रो करने हैं और उसका नाम. जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पर ड्रो किया है रूपी वन, रूपी टू, रूपी फाइव. इसका नाम क्या? वन रूपी, टू रूपीज, फाइव रुपीज, टेन रुपीज, फिफ्टी रुपीज, हंड्रेड. टेन रुपीज, फिफ्टी रुपीज, हंड्रेड रुपीज. हाउ मेनी पैसा वन रुपी? हंड्रेड पैसा. वन रुपी में कितना पैसा होता है? तो मेरा कोई क्वेश्चन दिया है, ड्रो आने थ्री कॉइन्स एंड थ्री नोट्स एंड राइट देयर नेम्स. मैंने वन, टू और फाइव के कॉइन्स बनाए हैं. आप चाहें वन, टू, टेन का बना सकते हैं, वन, फाइव, टेन का बना सकते हैं, फिफ्टी पैसे का भी बना सकते हैं. नॉट्स, मैंने टेन रुपीज बनाया, फिफ्टी बनाया, हंड्रेड. आप वन, टू, फाइव, ट्वेंटी, टू हंड्रेड, फाइव हंड्रेड, टू थाउजेंड, कोई सा भी नोट अपने पसंद का बना सकते हैं. लेकिन आपको ड्रो कैसे करना है इसलिए मैंने आपको ड्रो करके बता दिया है. हमें कोई ओरिजिनल नहीं बनाया, हमें एक सर्कल बनाया, उसे फिगर लिख दिया, नंबर लिख दिया. उसका मतलब ये हमारा रुपीस का साइन है, ये रुपीस का साइन है. ये कितने रुपीस है? वन रुपी, टू रुपीस, फाइव. इसमें हम एस नहीं लगाए क्योंकि जो थिंग वन होती है उसमें एस नहीं लगता है, जो वन से ज्यादा होती है उसमें हम एस. ऐसे आप नोट्स बना करके उसको बना लीजिए. तो आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, ड्रो आने टू कॉइन्स एंड टू नोट्स, थ्री कॉइन्स थ्री नोट्स, फोर कॉइन्स फोर नोट्स एंड राइट दैट. तो आप इस तरह से कॉइन्स ड्रो करेंगे और नाम लिखेंगे, नोट्स ड्रो करेंगे और नाम लिखेंगे. पर आपको ये पता होना चाहिए हाउ मेनी पैसा इन वन रुपी, देयर आर हंड्रेड पैसा इन वन रुपी. ठीक है, ये सब आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, नोटबुक में ड्रो कर दीजिए और अपने बुक की पेज नंबर निकालिए आप 69. उसके आगे भी क्वेश्चन से जो मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपका ये करने के बाद आप क्या करेंगे, वन रुपी ये है हमारा रुपी वन. वन रुपये में फिफ्टी पैसे के कितने कॉइन्स आएंगे? अभी हमने देखा कि वन रुपये में हंड्रेड पैसा होता है, तो फिफ्टी पैसे के कितने कॉइन्स आएंगे? फिफ्टी प्लस फिफ्टी हंड्रेड, फिफ्टी एक और फिफ्टी हंड्रेड, तो फिफ्टी पैसा के वन रुपीज में फिफ्टी पैसे के कितने कॉइन्स आएंगे? टू कॉइन्स. कितने कॉइन्स आएंगे? वन रुपये में फिफ्टी पैसे के कितने कॉइन्स आते हैं? टू कॉइन्स, है ना? और अगर मैं बोलूँ आपको रुपीज टू, रुपीज टू में फिफ्टी पैसे के कितने कॉइन्स हैं? वन रुपये में हंड्रेड पैसा होता है, ये वन रुपी, फिफ्टी प्लस फिफ्टी हंड्रेड पैसा. अब मैंने बोला वन रुपी में टू कॉइन्स है, तो टू रुपीज में कितने कॉइन्स होंगे? वन रुपीज में टू, एक और वन रुपीज में टू, तो कितने हो गए? फोर कॉइन्स. कितने कॉइन्स हो जाएंगे ये? वन रुपी में फिफ्टी पैसे के टू कॉइन्स हैं, तो टू रुपीज में फिफ्टी पैसे के फोर कॉइन्स. ठीक है, समझ में आ रहा आपको? और अगर टू रुपीज का कॉइन है तो उसमें वन रुपीज के कितने कॉइन? फिफ्टी पैसे के तो फोर कॉइन्स हैं,
और अगर वन वन रुपीज हुए कितने करोगे? टू कॉइन्स, वन प्लस वन टू, तो टू रुपीज में वन रुपीज के कितने कॉइन्स आएंगे? कितने कॉइन्स आएंगे? टू कॉइन्स। और फाइव रुपीज में वन रुपीज के कितने कॉइन्स आएंगे? फाइव रुपीज है आप चेंज करवाने गए मार्केट में, तो फाइव रुपीज के कितने कॉइन्स आएंगे? वन टू थ्री फोर फाइव कॉइन्स, फाइव रुपीज है। इसमें वन रुपीज के कितने कॉइन आएंगे? अब आपने देखा फाइव रुपीज में वन रुपीज के कितने कॉइन आ गए? फाइव कॉइन्स। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन फाइव रुपीज? देयर आर फाइव वन रुपीज कॉइन्स आर देयर। हाउ मेनी कॉइन्स आर रुपीज टू? देयर आर टू वन रुपी कॉइन। हाउ मेनी फिफ्टी पैसा कॉइन्स इन टू रुपीज? फोर फिफ्टी पैसा कॉइन्स। हाउ मेनी फिफ्टी पैसा कॉइन्स इन वन रुपीज? तो आपको ये क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों अपनी नोटबुक में करना है। और एक और मैं आपको करा देती हूँ मैचिंग। क्या करवा रही हूँ? मैचिंग। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, मैच। कैसे हम मैच करेंगे? मैच वाला क्वेश्चन आप बुक में कर लेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। आप अपनी बुक निकालेंगे और उसमें मैच करेंगे। जैसे आपके पास थे रुपीज वन, रुपीज टू, रुपीज फाइव, रुपीज टेन, ये आपको मैच करने के दे रखा है। ओपन योर पेज नंबर सेवन, पेज नंबर आप अपनी बुक का पेज नंबर सेवेंटी निकालिए। ये वाला क्वेश्चन आप बुक में करिए, कॉपी में नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या है? रुपी वन, रुपी टू, रुपी फाइव, रुपीज ट्वेंटी, रुपीज टेन, रुपीज फिफ्टी। अब हमें इसको चेंज करना है और हमारे पास डायग्राम भी बना हुआ है। सबसे फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए उसके अंदर क्या बना हुआ है, वन वन टू कॉइन्स बना हुआ है। वन वन क्या बना हुआ है? वन वन के टू कॉइन्स बन गए हैं। क्या बताओ ये किससे मैच करेंगे? ये वन से करेगा, ये कर सकता, टू से करेगा, यस वन प्लस वन टू कॉइन्स को वन से मैच कर देंगे। फिर आप देखिए फाइव फाइव रुपीज के टू कॉइन्स, थर्ड में आप देखो फिफ्टी पैसे के टू कॉइन्स, फिफ्टी पैसा, फिफ्टी फिफ्टी पैसे के टू कॉइन्स, फिफ्टी प्लस फिफ्टी, फिफ्टी प्लस फिफ्टी क्या बना था? वन रुपीज। हम इसको किससे मैच करेंगे? दिख रहा है सबको, हमें मनी को ऐड करना है और फिर मैच करना है। सेकंड में देखो फाइव कैरेट के रुपीज के कॉइन्स है, फाइव सब कैरेट के रुपीज के सारे
टेन टेन रुपीज के फाइव कॉइन्स है, तो आप काउंट कर सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, 10 तो सबको आता है, 10, 20, 30, 40, 50, ये रहा हमारा जीती, इससे हम मैच करेंगे। आ रहा सब में नहीं आ रहा है। अब हमारे 10 रुपीस के 2 कॉइंस, कॉइन्स बनाने हैं, आप चाहो तो कॉइन रख करके भी ड्रॉ कर सकते हो, कॉइन रखेंगे अपनी कॉपी में और उसके चारों तरफ से पेन से घुमा देंगे तो भी आपका कॉइन बहुत अच्छा बनेगा। और नॉट्स का आप स्केल से बना सकते हैं, स्केल से एक सीधी लाइन, देन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन वर्टिकल लाइन, देन हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक रेक्टेंगल बना लेंगे स्केल से भी नोट बन जाएगा। और राउंड वाले कॉइन्स बनाने के लिए आप 2 रुपीज का कॉइन, 1 रुपी का कॉइन, 5 रुपी का कॉइन अपने नोटबुक में रखेंगे और उसे पेंसिल से ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और 2 आप अपने नोटबुक में करिए, क्वेश्चन 3 आप अपने बुक में कर लीजिए, लेकिन आपको आना चाहिए कि 1 रुपीज में 50 पैसे के 2 कॉइन्स, 2 रुपीज में 1 रुपीज के 2 कॉइन्स, 5 रुपीज में, 5 रुपीज में क्या करेंगे हम, ये तो हमने लिखा ही नहीं, 5 रुपीज का भी तो है, 2, 2+1 रुपीज 2 है, फिर आप 2 आ गया, फिर रुपीज 1 आ गया, तो ये किससे मैच होगा, 5 से, किससे मैच होगा, 5 से मैच होगा ना, 2 + 2, 4, 4+1, 5, 5 रुपीज हमारा बच गया था, 5 रुपीज 2 + 2, 4, 4+1, 5। अब हमारा 2 कॉइन्स है, रुपीज 10, ये हमारा होगा 20। आगे समझ में आपको, ये आपके बुक में बना हुआ है, आप कॉइन्स को ऐड करेंगे, 5 + 5 = 50 + 50 = 100 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रुपीज, 10, 10, 10, 50, 2 + 2, 4 + 1, 5, 10 + 10, 20। तो आप अपने बुक में इसको मैच कर लीजिए, ओके।